हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक फिर नई वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कार का जो लॉक और अनलॉक साउंड है, जो हम लोग लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं तो बीप साउंड जो आती है, उसे कैसे परमानेंटली डिसेबल करें। तो देखिए, जैसे मैं अभी अपने कार को लॉक और अनलॉक करूँगा तो साउंड आएगी बीप की। सुनाई दिया आपको? ये देखिए, लॉक किया एक बार साउंड और अनलॉक किया तो दो बार साउंड। तो इस साउंड को कैसे डिसेबल करते हैं परमानेंटली और फिर इनेबल करते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ भाइयों के साथ ऐसा होता है कि गलती से किसी तरह से वो डिसेबल हो जाता है, फिर वो परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो इस उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो इसमें देखिए, चारों इंडिकेटर आपके जलेंगे, कार लॉक अनलॉक सब होगा, लेकिन सिर्फ जो बीप साउंड है वो नहीं आएगी। किसी को पसंद नहीं है या कोई और वजह से अगर वो डिसेबल करना चाहते हैं तो वो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, मैं आपको पहले थ्योरेटिकली बता दूँ कि कैसे करना है और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं, ये जो आपका इग्निशन है, आपको सिर्फ एक बार इग्निशन ऑन और ऑफ करना है, इंजन स्टार्ट नहीं करना है। फिर ये जो अलार्म बटन दिख रहा है उसको 3 बार टैप और 4th बार टैप एंड होल्ड करना है। फिर आपको एक बीप साउंड सुनाई देगा, और बीप साउंड जब सुनाई दे आपको तो ये आपकी जो की में ये लॉक बटन है, उस लॉक बटन को प्रेस कर देना है एक बार। इससे आपका वो लॉक और अनलॉक साउंड डिसेबल हो जाएगा, और उसी प्रकार फिर वापस से अगर आपको इनेबल करना है तो फिर वैसा ही करना है। चलिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक बार ऑन किया, फिर वापस ऑफ किया, चाबी निकाली, और ये देखिए 1, 2, 3, 4th टाइम टैप एंड होल्ड, और फिर ये सुनाई दिया और ये लॉक बटन, और फिर इसे छोड़ देंगे। एक बार आपको बीप का अलार्म आएगा, उसके बाद समझिए ये डीएक्टिवेट हो गया। देखिए, ये आपको सुनाई दिया, इट मीन्स ये जो हमारा लॉक और अनलॉक साउंड का जो बीप आवाज़ आती है, साउंड आता है, वो डीएक्टिवेट हो गया। अब मैं इसे आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं अनलॉक करूँगा। देखिए, कार अनलॉक हुआ बट बीप की साउंड नहीं आई, लॉक हुआ लेकिन बीप की साउंड नहीं आई। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से भी। देखिए, अनलॉक हुआ बट बीप की आवाज़ नहीं आई, लॉक हुआ बट बीप की आवाज़ नहीं आई। चलिए, मैं आपको बाहर से भी दिखा दूँ, आप सेटिस्फाइड हो जाएं। देखिए, कार अनलॉक करूँगा। देखिए, अनलॉक किया, इंडिकेटर जली, कार अनलॉक भी हुआ लेकिन साउंड नहीं आई। लॉक करूँगा, देखिए लॉक किया, मैं इंडिकेटर जला, कार लॉक भी हुआ बट साउंड नहीं आई। अब चलिए, मैं इसे इनेबल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, इग्निशन ऑन किया, ऑफ किया, ये 3 बार टैप, 4th बार टैप एंड होल्ड, ये बीप की साउंड आई और ये मैंने लॉक होता, फिर मैंने छोड़ दिया और फिर एक बीप की साउंड आ गई, मतलब एक्टिवेट हो गया। देखिए, ये बीप की अलार्म के साउंड आया, इट मीन्स ये एक्टिवेट हो गया। अब मैं आपको ये लॉक अनलॉक करके दिखाता हूँ, साउंड आता है या नहीं। देखिए, मैं लॉक करने जा रहा हूँ, देखिएगा अब साउंड आना चाहिए। ये देखिए, लॉक हुआ कार, साउंड भी आया, अनलॉक हुआ और साउंड भी आया। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका संयोग, आपका सपोर्ट इसी तरह मिलते रहे मुझे। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टेम्प्रोरी ये जो लॉक और अनलॉक साउंड है, टेम्प्रोरी अगर आपको डिसेबल करना है तो वो कैसे करें, कुछ सेकंडों के लिए। अगर मॉर्निंग में आप कहीं निकल रहे हैं और किसी को डिस्टर्ब ना करना चाहें तो कुछ सेकंडों के लिए अगर आपको डिसेबल करना है तो कैसे करें। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरा वीडियोज़ पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आप अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।